जिस प्रकार की कथा रहती है सुनी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की, उस दिन भी मैंने समाचार पत्र से लेकर मीडिया के बीच में एक बात कही थी कि इसकी उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी सीबीआई की जांच कर रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की घोषणा करते इसकी स्वीकृति दी। यह चरित्र हत्या का राजनीति का खेल एक व्यक्ति एक समाज के वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ में जो कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने की, मैं इसकी निंदा कर रहा था उस समय भी और आज भी कहता हूँ। मैं किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का बेटा हूँ, राजनीति में इस प्रकार का कृत्य करके सत्ता की लुलुपता के नज़दीक पहुँचना ये कहाँ तक का न्याय उचित है, ये आत्मचिंतन का विषय है। मैंने विधानसभा में भी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था, राजनीति सिद्धांत और विचारों की करो, राजनीति में किसी की हत्या मत करो। राजनीति में किसी का चरित्र की हत्या करके सत्ता की लुलुपता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उस परिवार पर क्या बीतेगी ये आने वाले समय के चिंतन का विषय है। इसलिए आज का ये सीबीआई के बीच में जब उन्होंने चालान प्रस्तुत किया और चालान प्रस्तुत करने के बाद जिस प्रकार का कांग्रेस का कृत्य और कांग्रेस का रवैया जो आम जनता के सामने देखने को मिला, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जमानत मिलने के बाद में कहते मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं वकील नहीं लगाना चाहता हूँ, वो सिर्फ हर चीज़ के अंदर राजनीति देखना चाहते हैं, राजनीति का माइलेज लेना चाहते हैं। और मैं इस बात की निंदा करता हूँ, मैं न्यायपालिका के प्रति पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी आकर के आम जनता के बीच में जो कांग्रेस पार्टी ने कृत्य किया है, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कृत्य का कोई स्थान नहीं है।